दुर्गा पूजा का आयोजन पूरी तरह बंगाल में जैसा होता है, जैसा मूर्ति होता है, वह मूर्ति का आयोजन जमशेदपुर टेलको में किया जा रहा है। और यह समिति का नाम है बंग्यो क्रिस्टी समिति, और इसका आयोजन पूरी तरह बंगाली परंपरा के अनुसार होता है। मूर्ति बहुत ही सुंदर है, जो आपको जमशेदपुर में तीन जगह इस प्रकार का मूर्ति दिखता है। एक तो यहाँ पर जहाँ पर हम प्रेजेंट न्यूज कर रहे हैं, दूसरा बंगाल क्लब, और तीसरा बेल्डी कालीबाड़ी में। कि आप शांतिपूर्वक यह आयोजन किया जाए, क्योंकि जमशेदपुर नगरी में आज रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं है, वह भी एक दुख की घड़ी है। लेकिन पूजा बहुत शांतिपूर्वक, किसी भी पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो था और रद्द कर दिया गया है, क्योंकि रतन टाटा जी को आज श्रद्धांजलि दिया गया। तीन नंबर रोड 3A64 टेलको बोंगियो किस्ती का पूजा हो रहा है। ये 72 साल का पूजा है, और हम लोग का एक कल्चर है बंगाली का, जो हम लोग आस्था से पूजा करते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं, इसलिए इसका उम्र हो गया 72 साल, और 72 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं माँ दुर्गा का। टेलको में हम लोग का सबसे बड़ा मूर्ति होता है, और हम लोग का जो आस्था से जुड़ा है कि हम लोग बंगाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ वैसे बंगाल टाइप का जो बांग्ला मूर्ति बोलते हैं, वो मेरा यहाँ चालू किया है, जो पहले बेल्डी कालीबाड़ी में होता था, अभी होता है बाड़ोदवाड़ी में। जो कारीगर जो है खूबी अच्छे हैं, और वो माँ बांग्ला का मूर्ति बनाते हैं। मैं सभी झारखंड वासी और बंगाली समाज को बोलने चाहते हैं, जो पूजा ऐसा कीजिए जिसमें आस्था से भी जुड़े हो, और ना कोई झमेला झंझट हो, और सबको मिलजुल के पूजा करना चाहिए। का ये 4 दिन का पूजा है, सबको मिलजुल के शांतिपूर्वक से पूजा में बिताना चाहिए, और सब भाईचारा से रहना चाहिए। आपकी कमेटी में स्पेशल क्या होता है ऐसे कुछ? मेरा इस कमेटी में स्पेशल यही होता है कि मैं तीनों दिन सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन मैं भोग वितरण करता हूँ, और बीच में हम लोग उसका बीच में गैप रहता है, तो उसमें मैं कोई प्रोग्राम कराता हूँ, जिससे सब लोग दर्शक लोग आते हैं और देखते भी है। मेरा कमिटी है टेलको बोंगियो क्रिस्टी समिति 3A क्रॉस रोड और 3A रोड का बीच में जो ग्राउंड है, नियर ऑफ राजेंद्र विद्यालय स्कूल है, उसी का बीच में जो ग्राउंड है, उसी में हमारा ये पूजा 72 साल से हो रही है। मैं बोंगी स्ट्री का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम है सपन कुमार सरकार, और मैं जेलको में ही रहता हूँ।